Good morning, student. I hope you all are well. Today we will read the first chapter of Classic in English. First day at school. सबसे पहले इसके हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं. वंडर मीन्स आश्चर्यचकित, ड्राइंग यानी चित्रकारी, स्टर्स यानी घूर के देखना, ग्रेन दादी माँ, पपी डॉगी का बच्चा. आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज अदर्स. इसमें एक बच्चा है जो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है. जब वो फर्स्ट डे स्कूल में जा रहा है तब वो सोच रहा है कि मेरी ड्राइंग दूसरों से अच्छी होगी कि नहीं होगी. आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टर्स. कि जो इसके क्लासमेट्स होंगे, जो वो लोग होंगे, वो इसको पसंद करेंगे या एक फुल ऑफ स्टर्स यानी घूर के देखते रहेंगे. आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मोम और ग्रैंड माँ. वो सोचा कि मेरी टीचर जो है मेरी दादी माँ की तरह होगी या मेरी मम्मी की तरह होगी. आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम. और उसके पास एक पपी है. वो सोचा कि क्या मेरा पपी सोचेगा कि मैं कहाँ पे हूँ. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग. जो बच्चा है वो अपनी इस पोयम में ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है. ही इज थिंकिंग दैट हिज ड्राइंग वुड बी एज गुड एज अदर्स क्लासमेट्स. ठीक है, वो सोच रहा है कि उसकी ड्राइंग दूसरे क्लासमेट्स से अच्छी होगी कि नहीं होगी. वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज मदर, सॉरी अबाउट हिज टीचर. वो अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा है. शी लाइक्स हिम एज हिज मदर और ग्रैंड मदर. वो उसको कैसे पसंद करेगी, मम्मी की तरह या ग्रैंड मदर की तरह. डज यू थिंक द चाइल्ड कुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल. नो, ही कैन नॉट कैरी हिज पपी टू स्कूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल. हाउ डू यू फील. क्या आपको याद है आपके फर्स्ट डे स्कूल में आपने क्या किया था, कैसा फील करा था. एंग्री, गुस्सा आ रहा था. नो, शाई, चुपचाप खड़े थे. नो, हैप्पी. यस, सैड. नो, क्योंकि बच्चा जब फर्स्ट डे स्कूल जाता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो बहुत खुश होता है. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू एंटर योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक. जब आप क्लास में एंटर हुए थे तो आपको क्या पसंद आया था, सबसे ज्यादा आपने क्या पसंद किया था. व्हेन आई एंटर्ड माय क्लास आई लाइक द होल क्लास एंड स्पेशली माय क्लास टीचर. इसमें आप अपने जो भी क्लासमेट्स है उनके बारे में भी बता सकते हैं. हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड. यस, आपका फर्स्ट फ्रेंड कौन सा बना था. माई फर्स्ट फ्रेंड इन क्लास वॉज. जो भी आपका फर्स्ट फ्रेंड है उसका आपका नेम मेंशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट. तो आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट इज प्ले विथ माई पैट डॉग. ठीक है, आप सबसे ज्यादा एंजॉय किसके संग करते हो, तो वो आपको लिखना है. डू यू हैव ए पैट एट होम. हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल. अगर आपके पास है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है. यस, आई हैव ए पैट एट होम. हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल. यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है. हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर. वन हैज बीन डन फॉर यू. देखो ये आपके पिक्चर है, इसमें ये कुछ वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, सॉरी कुछ लेटर्स है, उनसे आपको वर्ड्स बनाने के कितने वर्ड आपके बन सकते हैं. जैसे हिप्पोपोटामस है, इसमें से आपको कितने वर्ड्स बन सकते हैं. एक आपने पोट बना दिया, एमओपी मोप बन सकता है, एचओटी होट बन सकता है, हिज बन सकता है, टॉप बन सकता है और एमएटी मैट बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, सर्कल वॉट यू कैन कैरी इन द स्कूल बैग. ठीक है, नाउ राइट द नेम ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो. आपको इसमें जो आप अपने स्कूल बैग में जो भी आप चीजें लेके जाते हैं उन पे आपको सर्कल में करना है. ठीक है, और यहाँ पे आपके देखो एट है, एट पॉइंट्स है, जहां पे आपको इन सब में से कोई भी एट जो नेम है ना वो मेंशन करने हैं. ठीक है, यस. नेक्स्ट, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द
ब्लैंक्स. देखिए जैसे ये खा रहा है तो ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है. ये राइड कर रहा तो राइडिंग ए बाइसाइकल. ये जा रहा है गोइंग टू द स्कूल. ये शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग विद फ्रेंड्स. स्टडिंग इन क्लास, ये वापस आ रहा है तभी इतना खुश दिख रहा है. तो रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. प्लीज लाइक एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.